पता है YouTube चैनल्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। होता यह है कि ज्यादातर लोग जब YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनको यही लगता है कि YouTube तो बहुत आसान है, हम एक या दो वीडियोस अपलोड करेंगे, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और पैसों की बारिश हो जाएगी। और जब इसमें से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सारी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है बिना YouTube के बारे में कुछ भी जाने हुए, तो जब ऐसा होता है तो लोग क्विट कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि YouTube पे सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको कुछ गलतियां नहीं करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान ना होता है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आप YouTube पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अब ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ होती है कि वो हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, मतलब चैनल के नेम से लेके बैनर, लोगो, वीडियो की स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग, थंबनेल, ऑडियो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ वो इतना परफेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी पहली वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद उनके वीडियोस वायरल जाना तो छोड़ो, मेजोरिटी लोगों के एक दो व्यूज भी नहीं आते हैं, वो भी महीनों तक नहीं आते हैं। और देखो, अगर आपने अभी अभी YouTube पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप हर चीज परफेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, जैसे एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल कैसे बनाना है, रिसर्च कैसे करना है, ये सारे स्किल्स हैं जो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अच्छे होते हैं। आप इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप तुरंत उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और परफेक्ट वीडियोस बनाने की कोशिश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, हम इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हो जाती हैं। जैसे सोच के देखो कि आपने 10 डेज, 20 डेज, इवन की पूरा मंथ लगा दिया एक वीडियो बनाने में, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी तो उसी हिसाब से होंगी ना कि भाई इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है तो वीडियो पे व्यूज तो आने चाहिए। और आपके उस वीडियो पे 2, 5 या इवन की एक भी व्यूज नहीं आते महीने महीनों तक, तो आप डेफिनेटली डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी पहली बार में परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे और बर्नआउट भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कि डोंट फोकस टू मच ऑन गेटिंग मोनेटाइज्ड। अब देखिए, होता यह है कि हम में से बहुत सारे लोग डेस्परेशन में चैनल स्टार्ट करते हैं। हमको लगता है कि भाई YouTube पे पैसे कमाना बहुत आसान है, कुछ वीडियोस डालो, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर बहुत पैसे कमा सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके चैनल पे अर्निंग कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस निश में वीडियोस बना रहे हैं और आपको कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मान के चलिए आपने किसी को पैसे पे करके या किसी और भी तरीके से अपना चैनल मोनेटाइज करा भी लिया, तो उसके बाद भी आपको अपने वीडियोस पे व्यूज तो चाहिए होंगे ना अपने चैनल पे अर्निंग करने के लिए। और मैं आपको YouTube अर्निंग की सच्चाई बताऊं, मेरे चैनल पे लास्ट मंथ 4 या 5,000 व्यूज पे $1 बन रहे थे। तो आप खुद ही देख सकते हो कि चैनल मोनेटाइज करने से बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपको उस पे व्यूज आ रहे हैं, तो न सिर्फ आपको YouTube से अर्निंग होगी बल्कि आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगे और वो भी अच्छे खासे वाले मिलेंगे। तो रादर देन कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने पे फोकस करें, आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आपका कंटेंट आप कितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अब ये सुन के बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा कि भाई हमें मालूम है, हमें मत सिखा, लेकिन सच तो ये है कि हम सब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा करते हैं कि देख यार, उसके तो एक साल में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे, उसके इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, और मैं तो पिछले 2 सालों से वीडियोस बना रहा हूं, मेरे तो यार 1,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। तो इस तरीके से हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि यार हम सब लोग अलग है ना, हमारे पास रिसोर्सेज अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, चैनल को लेकर हमारा विजन अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, तो रिजल्ट सेम कैसे हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आप यूट्यूब एल्गोरिदम को ले लो, वो कब किस चैनल को कितना बूस्ट कर दे ये कोई नहीं जानता। और इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहले जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था, तो मैं शायरी एंड मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, और उस टाइम पे मैं जिन चैनल्स को फॉलो करता था, मतलब आज से 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे उनके चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और 2 साल बाद भी उनके सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। एंड अब मुझे ये भी समझ में आता है कि इस तरह के शायरी चैनल्स वगैरह बनाना इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो हो सकता है कि आप आज एक निश में वीडियो बना रहे हो, कल किसी दूसरे निश में वीडियो बनाओगे, तो कंपैरिजन का कोई भी पॉइंट बनता ही नहीं है, और कंपैरिजन करके आप अपने ही अचीवमेंट्स को डाउनग्रेड करते हैं। सो नेवर ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि जितना टाइम लगेगा आपको सक्सेसफुल होने में, जितना टाइम लगेगा कंटेंट को बेटर करने में, उतना तो आपको समय और एफर्ट लगाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, मेक इंट्रो एज टेम्पटिंग एज पॉसिबल, क्योंकि स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें से भी स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में आपको ऑडियंस को ये बताना होता है कि जो सोच के आपकी वीडियो पे उन्होंने क्लिक किया है, वीडियो में एग्जैक्टली उनको वही मिलने वाला है। और नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में उनको एक रीजन देना होता है कि वो आपकी वीडियो को आगे देखें तो क्यों देखें। तो आपको भी इंट्रोज ऐसे ही बनाने हैं। इसके अलावा उसको आप जितना एंगेजिंग बना सकते हो उतना एंगेजिंग आपको बनाना है। आप उसमें वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से करो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, साउंड इफेक्ट्स लगाओ, कोई कहानी सुनाओ, कुछ भी करो, लेकिन फर्स्ट 30 सेकंड्स तक कम से कम ऑडियंस को अपनी वीडियो पे हुक करके रखो, क्योंकि इसके बाद ऑडियंस आपकी वीडियो को ज्यादा ड्यूरेशन तक देखती है।
फिफ्थ पॉइंट है फोकस ऑन ऑडियो द मोस्ट। अब देखो एक वीडियो बनाने में सबसे पहले क्या क्या चीजें लगती है, एक टॉपिक, स्क्रिप्टिंग, उसके बाद ऑडियो, फिर वीडियो एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स। ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ऑडियो है। मतलब अगर आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत बेसिक है चलेगा, आपकी स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है तो भी चलेगा, वीडियो में आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बताया हो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर ऑडियो की क्वालिटी खराब है तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए आपको ऑडियो पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट भी करने वाले हैं यूट्यूब जर्नी में अपने, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे करना चाहिए। यानी आप एक अच्छा एक माइक ले सकते हैं, पेड सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, इससे आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। वैसे अगर आपके पास अभी माइक वगैरह नहीं है, फोन से ही आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने दो वीडियोस बना रखी है। एक में मैंने कुछ अच्छे ऑडियो रिकॉर्डर्स के बारे में बताया है जिनमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग टिप्स आपको बताए हैं जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन दोनों वीडियोस को जाके देखिए, चीजें अप्लाई करिए, आपकी ऑडियो की क्वालिटी 100% इंप्रूव होगी। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है डोंट बी डेस्परेट। अब देखो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस तो अपने नीच में बनाते हैं, लेकिन जब उन पे व्यूज नहीं आते तो उनसे हट के वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने लग जाएंगे, किसी और की वीडियो कॉपी करके डालना शुरू कर देंगे, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे चलो मान लो कि आप क्रिप्टो करेंसी पे वीडियो बनाते हो, ठीक है, और अचानक से आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे आदि पुरुष मूवी का रिव्यू अपलोड करने लग जाओ, और बाय चांस मान लो कि वो वीडियो वायरल हो गई, तो या तो आपको अपने चैनल का नीच चेंज करना पड़ेगा या फिर आपका चैनल डेड हो जाएगा, क्योंकि जो ऑडियंस आपने अट्रैक्ट करी है वो आपके नीच में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो इससे आपके बाकी जो नॉर्मल वीडियोस होंगे उन पे व्यूज नहीं आएंगे। और दूसरी एक और चीज लोग क्या करते हैं कि वो क्लिकबेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर देते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत क्लिकबेट कर रहे हो तो कोई भी बात नहीं, चलता है, उतना तो हर कोई करता है, लेकिन कई लोग तो भाई वीडियो में टॉपिक कुछ और होगा और थंबनेल में क्लिकबेट वो अलग ही लेवल का कर देते हैं, तो इससे आपके चैनल का ओवरऑल इंप्रेशन भी खराब होता है। जैसे मान के चलो किसी बंदे ने आपकी किसी वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है, और आपने उसमें क्लिकबेट कर रखा है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो वीडियो में तो उसको चीज मिलेगी ही नहीं ना जो वो देखने के लिए आपकी वीडियो पे आया था। और ऐसे ही अगर आपके दो तीन वीडियोस पे क्लिक करके वो बेवकूफ बन जाता है, तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आपके चैनल से उसको नफरत हो जाएगी। तो इसलिए डेस्परेट मत हो कि किसी भी तरीके से मेरा चैनल वायरल हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए। चैनल मोनेटाइज कर लेने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया। तो इसलिए ये सब करके कोई फायदा नहीं है, अपने कंटेंट को आप जितना बेटर से बेटर बना सकते हैं वो करने की कोशिश करिए, क्योंकि इन दी एंड मैटर तो यही करता है। सेवंथ पॉइंट है डोंट मेक वीडियोस फॉर योरसेल्फ। कहने का मतलब कि आप ऐसे वीडियोस मत बनाइए जो आपको अच्छे लगते हैं, आप ऐसे वीडियोस बनाइए जो ऑडियंस देखना पसंद करती है। और कई बार दोनों में बहुत स्टार्क डिफरेंस होता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम जैसे वीडियोस देखना चाहते हैं सारी ऑडियंस वैसे ही वीडियोस देखना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता। और अगर आपको नहीं पता कि आपके नीश में किस तरह के वीडियोस पे ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप अपने नीश के टॉप यूट्यूबर्स के चैनल जाके एनालाइज करिए, वहां से आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड है, और फिर उन्हीं टॉपिक्स पे आप अपने तरीके से वीडियोस बना सकते हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे के सारे वीडियोस वैसे ही बनाने हैं जो ऑडियंस देखना पसंद करती है, आप बीच बीच में कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान के चलो महीने में 5 वीडियोस बनाते हो, तो 4 आउट ऑफ 5 वीडियोस ऐसे बनाओ जो ऑडियंस देखना पसंद करती है, और एक वीडियो आप ऐसा बनाओ जो आप बनाना चाहते हो, तो इससे आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, काम करने में भी अच्छा लगेगा, और आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जैसे मान के चलो आपने 4 वीडियोस चैनल नीश से रिलेटेड बनाई और एक अपना डेली रूटीन का व्लॉग अपलोड कर दिया, तो इससे ऑडियंस आपसे और ज्यादा कनेक्टेड फील करती है, जो कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए, किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अब अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो ना, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो सारी चीजें अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका चैनल डेड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैंने अमित भड़ाना की केस स्टडी में बताया है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।